नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे अतिक्रमण वाले जमीन को लेकर। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लोक भूमि यानी कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को अब सरकार सीधे जेल भेजने पर विचार कर रही है। विभाग ने यह भी आदेश उन शिकायतों के संदर्भ में दिया है जिसमें बताया गया है कि अतिक्रमण मुक्त होने के बाद उस जमीन पर दोबारा कब्जा कर लिया जाता है। ऐसे में अब बिहार सरकार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम में संशोधन के बाद अतिक्रमणकारियों को अधिकतम 1 साल की सजा देने का प्रावधान किया गया है। अमूमन इसका जो है उपयोग नहीं होता है। बता दें कि इस संशोधन 2012 में हुआ है। बता दें कि इसको लेकर जो है अब जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इस कानून को लेकर बोलते हुए अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को एक पत्र लिखकर कहा है कि हर तरह के लोक भूमि यानी कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराएं। इसके लिए बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम में संशोधन के तहत किए गए दंड के प्रावधानों का उपयोग करें। ऐसे में विभाग का यह भी आदेश गैर मजरुआ, आम, खास, कैसरे हिंद, खास महाल, सरकारी विभागों के स्वामित्व वाले जमीन के अलावा सार्वजनिक जल निकायों के अतिक्रमण मुक्त किए जाने के संदर्भ में है। पटना हाई कोर्ट के राम पुनीत चौधरी बनाम राज्य सरकार मामले में सार्वजनिक जल निकायों को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश साल 2015 में ही दिया गया था। इस मोर्चे पर अभियान तो चला लेकिन जल निकाय पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पाए। विभाग की पिछली समीक्षा बैठक में जल निकायों पर अतिक्रमण की स्थिति पर असंतोष जाहिर किया गया था। इधर अपर मुख्य सचिव की माने तो कुछ जिलों में उपलब्धि अच्छी है मगर अधिसंख्य यानी कि अधिकतर जो जिले हैं उसमें अतिक्रमण मुक्ति पर जो है अभियान संतोषजनक है, यानी कि इस पे जो है अभी भी काम करने की जरूरत है। ऐसे में अब जो बात कही जा रही है उसमें यह कहा गया है कि किसी भी अतिक्रमणकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई से पहले उसे नोटिस भेजने का प्रावधान है। नोटिस के जरिए उसे जमीन छोड़ने के लिए कहा जाएगा। अगर वह अपनी मर्जी से जमीन मुक्त नहीं करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसी में इसे जुर्माने के तहत जेल की सजा भी हो सकती है। आपको बता दें कि बिहार सरकार पिछले कई दिनों के अगर हम बात कर ले कामकाज की, तो इसमें जो है वो तालाब, कुआं या फिर सरकारी ऐसी ज़मीनें जो सरकार के अधीन में आती हो उसको लेकर जो है वो जांच पड़ताल कर रही है और वो चाह रही है कि उन जगहों पे जो है जलाशय बनाया जाए। अगर बड़ी ज़मीन है, बड़ा प्लॉट है तो उसमें जलाशय की बात कर रही है, नहीं तो फिर कुएं के संरक्षण की बात करती है। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो पार्क लगाने की बात करती है। अगर वो ज़मीन शहरी इलाके में है तो उसमें पार्क लगाने की बात करती है। राजधानी पटना के कई ऐसे ज़मीनें हैं जहाँ पर चिन्हित करके उसे पार्क में घोषित किया गया है। अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात कर लें तो वहाँ साफ तौर पर कहा गया है कि अगर बड़ा ज़मीन है तो उन जगहों पर जो है तालाब बनाएं ताकि जो है हम जल संरक्षण कर सकें, जल के स्तर को जो है हम ऊंचा कर सकें। इसी कड़ी में ये जो अतिक्रमण का जो नया संविधान सामने आया है, नया कानून जो सामने आया है, वो उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जमीन अगर आपने अतिक्रमण किया है किसी सरकारी जमीन को तो उसके तहत जो है आपको जेल जाना होगा। उससे पहले सरकार की तरफ से 3 नोटिस भेजी जाएगी। अगर आप नोटिस का सही जवाब नहीं दे पाते हैं या फिर आप जमीन नहीं छोड़ने की स्थिति में होते हैं तो आप पे जो है दंडात्मक कार्रवाई के तहत आपको जेल भेजा जा सकता है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।